हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण। फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम कोई कपड़े की सिलाई करते हैं तो उसमें इंटरलॉक की ज़रूरत तो पड़ती ही है। यदि आपके पास इंटरलॉक की मशीन है तो सही है, नहीं तो आपको बाहर करानी पड़ती है। लेकिन आप हाथ से भी बहुत अच्छे ढंग से इंटरलॉक कर सकते हो, जो दिखने में बिल्कुल मार्केट या मशीन जैसी इंटरलॉक लगती है। तो आज वही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप बहुत अच्छे ढंग से इसे घर पर कर लेंगे। तो बिना किसी देरी किए हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे पास एक ये पैंट है, तो मैं अब इसे सीधी कर लेती हूँ। देखिए, देखिए इसकी किनारी, ये धागे निकले हुए हैं। अब मैं सबसे पहले एक सीजर की सहायता से इसकी किनारी को बराबर कर लूँगी। जितने भी धागे निकले हुए हैं इन्हें कट करके अलग कर दूँगी, जिससे कि हम इंटरलॉक करें तो उसमें सफाई दिखाई दे। इस तरह मैं सारे धागों को कट कर दूंगी। ये देखिए, मैंने सारे धागे कट करके अलग कर दिए हैं और अब हम इंटरलॉक करना शुरू करेंगे। ये मैंने सफ़ेद धागा लिया है क्योंकि सफ़ेद धागा यह आसानी से दिखाई देगा। हम इस तरह लेंगे, देखिए सबसे पहले एक नॉट लगा देंगे और इस तरह उंगली में धागा लेते हुए हम इसके बीच में से सुई को निकालेंगे। यह एक प्रकार का हमारा कास्ट टाँका होता है, जो हम कास्ट टाँका करते हैं यह वही टाँका होता है और इसके माध्यम से हमें इंटरलॉक करते हैं। इससे एक तो किनारी हमारी बंध जाती है और धागे नहीं निकलते। देखिए आप ध्यान से, हमें एक धागा इसी प्रकार उंगली में लेना है और जो भी इस तरह हमारे धागे वगैरह नज़र आए हमें उन्हें अलग कर देना है। यह बहुत आसानी से हो जाती है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। देखिए बहुत आसानी से हो रही है ये। और यदि आप उंगली में ना लेना चाहें तो जिस तरह मैंने आपको बताया था, तो आप इस तरह सुई के दूसरी तरफ धागा डालकर भी इसे कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।